आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परम सत्य शाश्वत सत्य में, जहाँ पे सत्य के शक्ति से आपको, सत्य की ऊर्जा से, शिवत्व की ऊर्जा से हर कार्य को सिद्ध करने का प्रयोग उपाय प्रमाणित तौर पे मैं बताता हूँ। व्यक्ति के जीवन में अगर वह चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। जहाँ उसकी सोच जाती है वह हर चीज़ को पा सकता है। शिवत्व की एनर्जी ऊर्जा में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी करा दे। गलती सिर्फ यह है कि आपने बंधन बना रखा है, कि एक दायरा बना रखा है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही जान सकता हूँ। और दायरा का कारण या बंधन का कारण है आपका मन, क्योंकि आपने जन्म जन्मांतर तक जो कर्म किए हैं वहीं तक वो सोचते हैं, वहीं तक वह जाता है। जहाँ तक आपकी सोच, समझ और विज्ञान भी नहीं जा सकता, उन चीज़ों को कैच भी नहीं कर सकता जो सत्य है, शिवत्व है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति ही अनंत है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक साधना करके आप व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, अगर व्यक्ति सामने खड़ा हो तो उसके बारे में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, पूर्ण रूप से क्लियर और स्पष्ट जान जाओगे। इतनी शक्ति इस साधना में है। और व्यक्ति अगर दूर बैठा हो, कहीं दूर हो, तो उसके बारे में ध्यान करने के बाद आप हर चीज़ जान जाओगे। अक्सर होता है जब व्यक्ति किसी नौकरी के लिए जाता है, किसी व्यक्ति से कुछ पेपर कागजात साइन करवाने जाता है, प्यार में अगर प्रपोज़ल लेकर जाता है, तो सबसे पहले तो समझ ही नहीं पाता कि होगा क्या, क्योंकि चीज़ें जो है क्या होगा अगर यह पहले आप समझ ले, रीड कर ले, पढ़ ले, व्यक्ति के मनोभाव को पढ़ ले, उसके विचारों को पढ़ ले, तो आपको हर चीज़ को करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन सबसे पहली बात है, व्यक्ति यह कला सीखा ही नहीं है, यह साधना किया ही नहीं है, जिससे कि वह सामने किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़े। अगर आप मन को पढ़ लेंगे तो आपको हर कार्य करने में सहज होगा। जैसे इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो जब उसके मन को पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसके भाव के अनुकूल आप उसे जवाब देंगे, तो वह खुश हो ही जाएगा। अगर प्यार में भी हैं तो प्रेमी प्रेमिका के मन को अगर पढ़ लेंगे तो याद रखिएगा, उस समय आपको उसके मन को पढ़ने के बाद जो कार्य करना जरूरी है उसे करेंगे, तो आपका प्यार आपसे कभी बिछड़ेगा ही नहीं, नाराज होगा। छोटी मोटी नाराज़गी तो हर जगह होती है, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं कभी भी, ना ही अकेला छोड़ेगा। अगर आप कोई भी किसी और भी कार्य को कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़रूरी चीज़ है, तो अगर उसके मनोभाव को पढ़ लें, उसके विचारों को पढ़ लें, जिस व्यक्ति से आपको काम है, तो वह व्यक्ति के अनुसार आप जल्दी से जल्दी कार्य कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध कर देगा। तो उसके लिए पहले उस अवस्था को जानना जरूरी है जहाँ पे आप मन को पढ़ने की कला सीख लें, और इस साधना से आप पूर्ण रूप से सीख लेंगे। साधना करनी क्या है, सबसे पहले तो यूँ समझिए, मन को पढ़ना अर्थात अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भाव को पहले पढ़ लोगे, तभी तो दूसरे के ऊपर आप सिद्धि हासिल करोगे, तभी तो दूसरे के मन को, विचार को, भाव को आप पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रयोग है वह करना होगा। यह साधना धीरे धीरे आपको वहाँ तक ले जाएगा जिससे कि इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, पारंगत हो जाओगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं पूछोगे फिर भी आप उसे बता दोगे, भूत भविष्य वर्तमान भी बता दोगे, क्या घटना घटने वाला है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, या कोई दुख तकलीफ क्यों पा रहा है, सब चीज़ बता दोगे। करना क्या है, आपको रात्रि में 10 एक कैंडल लेना है। कैंडल को लेकर के आपको बिल्कुल बिना किसी विचार, बिना किसी भाव के खाली मन से कैंडल को देखना है। आपको यह क्रिया 21 दिनों तक करना है और कम से कम 15 मिनट तक देखना है। और कैंडल और आपके बीच की दूरी कम से कम 2 फुट होनी चाहिए, कैंडल आपकी आंखों के बराबर में हो, जलते हुए लौ को, लेकिन ऐसे देखना है निर्विचार, निर्भाव, निष्क्रिय होकर, एकदम एकांत मन से। 21 दिनों बाद होगा चमत्कार।